तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कुछ नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ टूल्स जो मैंने कोड किया अपने लाइव स्ट्रीम इंप्रूव करने के लिए। और ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर है वो है न्यूफोनिका ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ जो ब्रेन डिवाइस है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोड दिखाता हूँ। देखो, काफ़ी लोगों को नहीं पता मैं इसरो लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ, मतलब मैं आता हूँ लाइव इसरो के साथ और इसरो की स्ट्रीम के ऊपर मैं ऐसा ओवरले डालता हूँ जिसमें नीचे आपको दिखेगा ये सर्कल जिसमें नेक्स्ट इवेंट्स दिखा रहे हैं विद टाइम, और लेफ्ट में आपको रॉकेट का एनिमेशन दिखेगा। होता क्या है, मेरे को बहुत एंजाइटी है, मेरे को जानना है नेक्स्ट इवेंट कब आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है। तो ये जो स्पेस एक्स स्टाइल है वो मेरे को मैं पे पहले ही बना के रखता हूँ और फिर स्ट्रीम के दिन प्ले करता हूँ। इसमें आप देख सकते हो ये ऑल्टीट्यूड और वेलोसिटी भी है रॉकेट की, तो सब एनिमेशन दिखते हैं। तो काफ़ी लोग ज्वाइन करते हैं, इनफैक्ट लास्ट स्ट्रीम में 5,000 से ज़्यादा कॉन्करेंट व्यूअर्स थे। पर मेरे को ये इम्प्रूव इसलिए करना है क्योंकि अभी आ रहा है GSLV का लॉन्च, GSLV Mark II F12 स्ट्रीम। और अगर आपको बताया है GSLV लास्ट टाइम फेल हुआ था तो सब डरते हैं इस रॉकेट लॉन्च होते तब, तो थोड़ा थोड़ा डर का माहौल होता है। इसलिए सबसे पहले मैं टॉप राइट में देख सकते हो, अब ये हार्ट रेट मॉनिटर, ये हार्ट रेट मॉनिटर जो है वो मेरा हार्ट रेट है जो मेरे स्मार्ट वॉच से आ रहा है डायरेक्टली। ये मैंने कोड नहीं किया पर ये जिसका गिटहब है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो मेरे बैंड से कर रहा है। अब ये मेरे को देखना इंटरेस्टिंग होगा कब मेरा हार्ट रेट बढ़ता है। सेकेंड स्टेज लास्ट टाइम ऑन नहीं हुआ था तो शायद सेकेंड स्टेज फायर होने से पहले मेरा हार्ट रेट बढ़े वगैरह, ये मेरे को भी नहीं पता, देखते हैं, इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। सेकेंड चीज़, ये जो मैंने कोड की है वो आप देख सकते हो, राइट में मेरा हेड बॉबल हो रहा है, राइट, ये जो मेरा लोगो है गरीब साइंटिस्ट का, इसरो के दो बेस्ट रॉकेट्स उसके हाथ में, उसके हेड बॉबल हो रहा है। अब ये मेरे को काफ़ी टाइम से करना था, कोड अगली है पर मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो आप ये जब रन करोगे आपको ये डायलॉग मिलेगा, और इनके साथ वंडर कर रहे हो ये कोड ओपन सोर्स है, github.com/garibscientist, ये ऑप्शन मिलेगा आपको। आप यहाँ अपने लेयर सिलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट वाला सबसे नीचे जाएगा, सेकंड बीच में और थर्ड वैसा। और अगर मैं ये कंबाइन, हाँ ये माइक ऑप्शन है यहाँ पे, जो लोग वंडर करते हैं मैं कौन सा माइक इस्तेमाल करता हूँ, वीडियोस के लिए यूज़ करता हूँ ये सैमसंग गो माइक, सेकेंड हैंड लिया था बैंगलोर से, पर क्या इन्वेस्टमेंट है ब्रो, मेरे हाथ बहुत छोटा है, ये हाथ में आपके पॉकेट में फिट होगा, कंडेंसर माइक है। बट हाँ एनीवेज, ये जब मैं कंबाइन इमेजेस दबाऊंगा तब ये विंडो ओपन होगा, ठीक है, ये विंडो में ये बॉबल कर रहा है। तो ये मेरा जो माइक का इनपुट है ये लेके 20 पिक्सल अप डाउन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक थ्रेशोल्ड है, मेरे को कंट्रोल कर सकता हूँ मैं कितना किस RMS या ये जो वैल्यू है माइक का उस हिसाब से बॉबल करेगा। तो जितना लो सेट करूँगा उतना ज़्यादा, मतलब ये कंट्रोल्ड रहेगा, सॉरी जितना हाई सेट करूँगा। एक और चीज़ है एंग्री मोड, इसका नाम होना था ट्रिगर्ड मोड, पर अगर मैं इसे ऑन करता हूँ तो ये रेड आइज आ जाएंगे एंड मैं कंप्लीटली एंग्री हूँ, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मैं बहुत एंग्री हूँ। तो एंग्री है ट्रिगर जो भी है, तो अगर स्ट्रीम पे कोई कुछ ऐसा वैसा बोले तो हाँ ये ऑन कर दूंगा। तो ये काफ़ी, मतलब बहुत टाइम से करना था मेरे को, फाइनल हो गया। और टू बी क्लियर, ये कोड बहुत बुरा है, ये ChatGPT के हेल्प से ही बनाया मैंने। मतलब वो पहले तो देखो, ये जो विंडो है वो एक पाई गेम इंटरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेसिकली तीन लेयर्स होने थे, तीन या चार जो भी है, और उसे मूवमेंट होना था माइक के ऊपर, बट पता नहीं कैसे कैसे करके ये नम पाए और ओपन CV2 वगैरह यूज़ कर ले इसने कोड में, और ये अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन हो गया है। बट ठीक है, इसे रिफैक्टर करूंगा मैं फ्यूचर में, फिलहाल में ये चलता है, वही इंपॉर्टेंट है फिलहाल। एक और चीज़ आप लाइव स्ट्रीम में देखोगे जो मैं बहुत कंफ्यूज करते रहता हूँ, ये जो टाइमर आता है वीडियो के टाइम, वो मैं हार्ड कोड किया हूँ वीडियो में, ठीक है, बट प्री लॉन्च जो टाइमर्स होते हैं यहाँ पे, बाय द वे ये जो आप सॉफ्टवेयर देख रहे हो वो OBS है, ये स्ट्रीमिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं, ये नीचे जो टाइमर आता है, ठीक है, ये नीचे टाइमर कोड से जनरेट होता है। पहले मैं क्या करता था, ये कोड इस्तेमाल करता था, ये बस एक कोड है जो एवरी सेकेंड रन होता है और ये counter.txt में ये लिख लेता है HHMMSS फॉर्मेट में। प्रॉब्लम क्या होता था, इस मैं यहाँ पे मैनुअली सेकेंड्स डालता था इस फंक्शन के इनपुट में, तो बहुत बार मेरे को टाइमर रोकना पड़ता था, मैं वेट करता था, इसरो वाले बोलेंगे T-5 मिनट्स, T-4 मिनट, फिर वहाँ 60 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फंक्शन दे दो। प्रॉब्लम बहुत बार रुकना पड़ता था, इरिटेटिंग था ये, तो मैंने टाइमर को भी
इम्प्रूव किया। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं अपना टाइमर, ये भी उसी रेपो का पार्ट है, उसी गिटहब में, जीएस मिशन कंट्रोल प्रोजेक्ट। ये मतलब मेरा प्लान है फ्यूचर में, मैं मल्टीपल टूल्स बनाऊँ, फिर जाके वो सब इंटीग्रेट होगा, अभी फिलहाल सेपरेट है। इसमें दो ऑप्शन है मेरे पास, मैं यूटीसी में टाइम डाल सकता हूँ, वो अपने आप कैलकुलेट करेगा टोटल सेकेंड्स, या टोटल सेकेंड्स डाल सकता हूँ। सपोज मैंने आई डोंट नो 800 सेकेंड्स डाले और टाइमर स्टार्ट किया, ठीक है। आप अगर मैं OBS खोलूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे ये मैच कर रहा है यहाँ पे, वो उसी फाइल से उठा रहा है डेटा यहाँ पे नीचे। अभी क्या होता था, काफ़ी टाइम इसरो के साइड में और हमारे साइड में डिले होगा, राइट। तो कभी कभी डिले बढ़ के 1 मिनट, कभी कभी 30 सेकेंड होता था, तो लोग कमेंट में बार बार करते थे लाइव चैट में कि आपका पीछे है टाइमर, आपका पीछे है टाइमर। अब जैसे आपने देखा ओल्ड कोड में डिफिकल्ट था वो चेंज करना, तो अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा फाइन कंट्रोल्स दिए। मैं लाइव यहाँ पे माइनस या प्लस कर सकता हूँ जो भी करना है मेरे को, और वो फिर एडजस्ट कर सकता हूँ, बहुत फाइन प्रिसाइज कंट्रोल। तो अभी हम टाइमर ज़्यादा इजीली सिंक में ला पाएंगे इसरो के टाइमर के साथ, और इट्स स्टिल परफेक्ट नहीं होगा वो, बट फिलहाल के लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है। अभी हम बात करेंगे न्यूफोनी का जो EEG डिवाइस है। अब देखो हुआ क्या था, इंस्टाग्राम पे मेरे को बार बार एड्स आ रहे थे, और मैंने जब शार्क टैंक में इनका पिच देखा था, ये जो रिया और भाव्या इस दो फाउंडर्स, तब मुझे लगा था कि ये प्रोफेशनल्स के लिए ही है, ठीक है। तो जब इंस्टाग्राम पे आ रहे थे, आई वॉज लाइक मुझे क्यों आ रहा है, तो मैंने ये ट्विटर पे डाला था। ट्विटर पे आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, वहाँ काफ़ी एक्टिव है हम लोग, पूरी कम्युनिटी एक्चुअली, स्पेस कम्युनिटी वहाँ की बहुत एक्टिव है इसरो ट्विटर पे। तो तभी उन्होंने रिप्लाई किया, मैंने रिया और भाव्या से बात की, काफ़ी कूल लोग हैं दोनों, और फिर अग्री किया कि वो मेरे को एक डिवाइस भेजेंगे। अब ये स्पॉन्सर्ड नहीं है टू बी वेरी क्लियर, बट मैं क्या करूँगा, ये डिवाइस बेसिकली आपकी ये जो एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड करती है, ब्रेन एक्टिविटी, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो मेरे ब्रेन के थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स जो भी है, ये भी देख सकते हो कि सब सेंसर्स फिलहाल ऑन नहीं है, मेरे हेडशिप के वजह से सब सेंसर्स नहीं होते। ये सेंसर्स क्या है, ये सेंसर्स इलेक्ट्रोड्स है जो आपके मतलब स्कैल्प है आपके हेड के, उसमें थोड़ा डिग इन करते हैं और आपकी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे आप सेंसर्स का ये भी देख सकते हो कंप्लीट इनपुट, इसमें एक्सेलरोमीटर भी है, ताकि वो कुछ इनपुट्स डिस्कार्ड कर सके उनके एल्गोरिथम में। इनका रिसर्च प्रोसेस अभी भी चल रहा है आई गेस, तो उनके पेपर्स वगैरह आने हैं। ये सब डेटा लेके वो फोकस, रिलैक्सेशन और मूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ये जो रिलैक्सेशन और फोकस का पार्ट है, इतना कट करके हार्ट रेट के नीचे दिखाऊंगा GSLV के F12 स्ट्रीम में। बट हाँ, अगर आप इवन आप मैं आपको फिजिकल डिवाइस दिखाऊं, तो वो बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। तो अच्छा लगा ऐसे ऐसे टेक इंडिया में भी बन रहा है, वरना मैं ये सब फॉरेन यूट्यूबर्स को ही देखता था EEG डिवाइसेस के साथ। ये एक पूरी बड़ी कम्युनिटी है न्यूरोटेक, न्यूरो साइंस की। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा कोई भी ओपिनियन इस पे एज हार्ड मत लो, इसलिए मैं डिटेल्ड वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि मेरे को टाइम लगेगा, पेपर्स पढ़ने हैं बहुत सारे, ये समझना है ये पूरा कैसे चलता है, फिर हम शायद कुछ बनाएं। बट फिलहाल के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, और थैंक्स टू रिया एंड भाविया ये भेजने के लिए। तो स्ट्रीम पे मिलते हैं मंडे 29 मई। काफ़ी लोग ये वीडियो 29 मई के बाद दिखे हैं, क्योंकि रीच यूट्यूब पे लेट ही आती है, बट एनीवेज ज्ञान की गहराई सबसे बड़ी।